हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत गौतम, योर मैथ्स टीचर। आज हम आपकी बुक के पहले चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q is not equal to 0 is called a rational number। हिंदी में कहें तो ऐसी संख्या जो p upon q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p तथा q को पूर्णांक भी कहा जा सकता है और q का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। Yes, I repeat again, a number which can be written in the form of p and upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। aisi sankhya jo p upon q arthat ansh bate har ke roop mein likhi ja sakti hai jahan p tatha q ko purnank kaha jata hai। purnank ka matlab shunya se lekar aisi sankhya जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव, अर्थात जो प्लस की भी हो और माइनस की भी हो, वो सारी संख्या पूर्णांक कही जाती हैं। और जिनको p अपॉन q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 2 अपॉन 3 ये लिख लिया हमने, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3, ऐसी तमाम सारी संख्याएं वो परिमेय संख्या कही जाएंगी। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है अर्थात नीचे वाला भाग है, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, जिसको हिंदी में योगात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। In general, for a rational number a upon b, we have a upon b plus bracket of minus a upon b is equal to bracket of minus a upon b plus a upon b is equal to 0। कहने का मतलब, we say minus a upon b is the additive inverse of a upon b and a upon b is the additive inverse of minus a upon b। For example, किसी संख्या को, जैसे हमने कोई रेशनल नंबर लिखा 2 upon 3, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसके आगे अगर हमें ये देखना है कि ये माइनस की वैल्यू है या प्लस की, अगर ये प्लस की है तो हमको माइनस 2 upon 3 इस तरह से लिख देना है, और यदि ये ऑलरेडी माइनस की होती 2 अपॉन 3 तो हमको क्या लिखना होता है, 2 अपॉन 3 प्लस का लिख देना होता है। कहने का मतलब, अपोजिट चिन्ह लगाकर हम उस वैल्यू को एडिटिव इनवर्स के रूप में, योगात्मक प्रतिलोम के रूप में दिखा सकते हैं। थर्ड पर बात करते हैं रेसिप्रोकल, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। We say that a rational number C upon D is called the reciprocal of or multiplicative inverse of another rational number A upon B if A upon B multiply with C upon D is equal to 1। कहने का मतलब, जब किन्हीं दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उनकी वैल्यू 1 आती है, तो इसमें से एक जो रेशनल नंबर होता है वो दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने 1 अपॉन 5 लिख दिया और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिख देना है और न्यूमरेटर को नीचे लिख देना है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, 2 अपॉन 3
इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर 2 है, तो 3/2 इस तरह से लिख देना है। प्रूफ कैसे करना है, 2/3 × 3/2 इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 1। यहीं पर हमने ये बात कही थी, a/v × c/d इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर किया तो उसके बाद हमें 1 मिल गया। तो ये था रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की पहली एक्सरसाइज में हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड −2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ये भी साथ के साथ बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। चलिए आगे, सबसे पहले हमने क्या किया, −2/3 × 3/5 - इस वाले टर्म को उठाकर हमने पहले लिख लिया और 5/2 इसको हमने बाद में लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने देखा 3/5 और 3/5 इन दोनों में कॉमन था, इसलिए इनको पास पास लिख लिया। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। फिर हमने देखा 3/5 और 3/5 दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको −3/5 को कॉमन ले लिया। तो यहां से जब माइनस कॉमन हो गया तो 2/3 यहां बचता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 1/6 बचेगा, ब्रैकेट लगा लिया, प्लस का 5/2 वैसे का वैसे लिख दिया। इस प्रॉपर्टी को हम बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद −3/5 ब्रैकेट के बाहर लिखा रहने दिया हमने, यहां पर देखते हैं हम 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा और 3 × 6 × 2 = 4 + 1 = 6 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 5/2 को वैसे का वैसे उतार लिया। इसके बाद −3/5 को वैसा लिखा, यहां पर 4 और 1 को ऐड किया, 5/6 हो गया, प्लस 5/2 को वैसा लिख लिया। इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने अगली लाइन में, −3/5 × 5/6 + 5/2 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 बार कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचता है हमारा −1/2 + 5/2 इस तरह से लिख लिया, इज इक्वल टू −1 + 5/2 क्योंकि 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 5 − 1 = 4/2 2 से हमने 4 कैंसिल किया, इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, 2/5 × ·3/7 − 1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। इसमें आपको ये देखना है जहां पर सेम नंबर लिखे हैं उसको पास पास लिखना है और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगी है उस तरह से, सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि एडिटिव इनवर्स के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2/8 का हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो 2/8 ये हमने देखा प्लस की पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू जब दे रखी है ऑलरेडी तो हमको क्या करना है, नेगेटिव साइन का यूज करना है, इसका अपोजिट साइन, तो ये आंसर हमारा हो जाता है। सेम इसी तरह से −5/9 दे रखा है क्वेश्चन, इसको हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो क्या करेंगे, माइनस और क्वेश्चन को लिखा माइनस माइनस प्लस 5/9
ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, -6/-5। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिखा -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, यानी कि जो वैल्यू लिखी थी वो ऑलरेडी पॉजिटिव थी। अब हमको इनवर्स करके लिखना है, तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5 हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेम इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, 2/-9 and 19/-6, इसको सॉल्व करना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है इन दोनों के। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जाना है। क्वेश्चन दिया गया है -13, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो हमने ये देखा -13 ये लिखा हुआ था, इसका न्यूमरेटर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर हम अपॉन 1 मान सकते हैं। जब डिनोमिनेटर हमने 1 मान लिया, हमने सीखा क्या था, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर की जगह, और जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर की जगह लिख देते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/-13, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। सेम इसी तरह से -13/19, तो इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर भी दे रखा है और डिनोमिनेटर भी, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे 19/-13, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 1/5, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर, -5/8 into -3/7, इसमें क्या करना है, आपको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, उसके बाद एक फ्रैक्शन बन जाएगा। जब एक फ्रैक्शन बन जाएगा तो आप उसका अपोजिट करके लिख सकते हैं। लास्ट है -1 into -2/5 = इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद अपोजिट कर देंगे, और लास्ट -1 इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी होमवर्क आप हमको करके दिखाएंगे, चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पिक डाल सकते हैं अपने होमवर्क की, या फिर आप अपना वीडियो बनाकर हमें सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।